साथियों स्वागत है वेस्टिज परिवार में और आप देख रहे हैं अर्जुन यादव ऑफिशियल चैनल। दोस्तों बहुत ही कमाल की बात है ना, आप वेस्टिज से ओके लाइफ में जाते हैं और उस टाइम कहते हैं कि वेस्टिज के जो प्रोडक्ट हैं बहुत ही महंगे हैं और जिस जो रेट है उसके हिसाब से प्रोडक्ट नहीं है, मतलब क्वालिटी उसकी ऐसी नहीं है, पर ओके लाइफ के प्रोडक्ट बहुत ही सस्ते हैं और क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। तो बाद में ऐसा क्या हो जाता है? जी हाँ फ्रेंड्स, दोस्तों पहले एक भागदौड़ मच गई थी, वीडियो पूरा देखिएगा, पहले एक भागदौड़ मच गई थी कि वेस्टिज से ओके लाइफ में जाने के लिए। उसमें कुछ हमारे लीडर्स थे जैसे अजय शर्मा जी हो गए, पुनीत शर्मा हो गए, ओ हीरो हो गए और सागर सिन्हा जी हो गए। उस टाइम इन लोगों ने क्या किया था, एक ही चीज मैं कमा पाता था और मेरी टीम नहीं कमा पाती थी। उसके बाद वेस्टिज के प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, ओके लाइफ के सस्ते हैं। वेस्टिज प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है और ओके की अच्छी है। तो दोस्तों प्रोडक्ट अच्छे थे, ओके लाइफ का प्लान ठीक था, सब चीज ठीक चल रहा था, फिर अजय शर्मा जी ने ओके लाइफ को क्यूट कर दिया, ठीक है, ओ हीरो ने भी क्यूट कर दिया और पुनीत शर्मा ने भी क्यूट कर दिया, ठीक है, पर सागर सिन्हा के बारे में नहीं पता चल पा रहा था उन्होंने ओके लाइफ को क्यूट किया है या नहीं किया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सागर सिन्हा ने भी ओके लाइफ को क्यूट कर दिया है। जी हां फ्रेंड्स, पर उनका बताने का तरीका कैसा रहा, जैसे उन्होंने वेस्टी छोड़ा था तो एक अलग वीडियो बनाई थी, वो मुझे समझ में नहीं आया था कि पहले नोकिया आया फिर ये आया, ऐसी कुछ वीडियो बनाई थी, आप जाके देख सकते हैं चैनल पर होगा वो वीडियो। तो पर अब ये क्या कह रहे हैं कि जो हम कोई भी है इंसान तो उसके जो कमाई के जरिया है ना बहुत प्रकार का होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, आपका ये सोच बहुत अच्छा है, मैं भी मानता हूं होना चाहिए। तो उन्होंने एक बात कहा, इसी सोच को और इसी को हम अपने अपने कमाई के जरिए को बहुत सारा करने के लिए हम ओके लाइफ कर रहे हैं, ठीक है, पर हम पूरी टीम के साथ हम रॉयल क्यू क्रिप्टो करेंसी ज्वाइन कर रहे हैं। जी हाँ, रॉयल क्यू क्रिप्टो करेंसी ज्वाइन कर रहे हैं पूरी टीम के साथ। तो एक सवाल मेरा ये आता है कि जब आप रॉयल क्यू क्रिप्टो करेंसी ज्वाइन कर लेंगे पूरी टीम के साथ तो फिर ओके लाइफ कौन करेगा? दोस्तों सीधा बात ये है, इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं, इनडायरेक्ट तो कह नहीं सकते हैं, शायद हिम्मत ना हो कहने की, क्योंकि पहले वेस्टिज की उन्होंने बुराई की कि उसके प्रोडक्ट अच्छे नहीं थे, क्वालिटी अच्छी नहीं थी, उसका प्लान अच्छा नहीं था, वो हर कोई नहीं कमा सकता था, और ओके लाइफ को बहुत अच्छा है, वेस्टिज में 3 साल लगते हैं सक्सेस होने में और ओके लाइफ में 1 साल में हम सक्सेस होकर आपको दिखाएंगे, ठीक है, पर ऐसा तो शायद मुझे नहीं लग रहा हो पाया है इनसे। तो इन्होंने अब क्या किया, रॉयल क्यू क्रिप्टो करेंसी ज्वाइन कर ली अपनी टीम के साथ। तो यहाँ पे फाइनली पता चल गया इन्होंने ओके लाइफ को क्यूट कर दिया है। दोस्तों ऐसे लीडर क्या कर रहे हैं ना, डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे लोगों को बर्बाद कर रहे हैं, क्यों, आज इस कंपनी में है कल इस कंपनी में है कल उस कंपनी में चले जाएंगे। तो भैया ये बताओ, हम आपके साथ ज्वाइन होते हैं पता ही चलता आप किस कंपनी में जाओगे, तुरंत ही क्यूट कर दोगे, कोई डिसीजन कुछ नहीं, ठीक है। तो एक ही चीज कहना चाहता हूं आप लोगों से कि देखिए वेस्टी जैसे कंपनी कहीं नहीं मिलेगी आपको, क्यों, इसमें बहरा गूंगा लंगड़ा बहरा सब कमाते हैं, आप इसमें देख सकते हैं, और इसमें आप बिल्कुल जीरो है, आपका ज्ञान कुछ नहीं आता है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, तब भी आप ज्वाइन होते हैं तो सीखते ही अच्छा जैसे आप करते हैं ऐसा आपका चेक आने लगता है, ठीक है, पर आप ऐसे लीडर के बहकावे में जाएंगे, पहले इनके ज्वाइनिंग के जो लेवल होते हैं हाई होते हैं कि 10,000 से ज्वाइनिंग है, 20,000 से ज्वाइनिंग है, 30,000 ज्वाइनिंग है, 8,000 ज्वाइनिंग है, 5,000 ज्वाइनिंग है, इसके वजह से एक दो बार आप कर भी लेते हैं इनकी टीम में ज्वाइन, उसके बाद आप क्या करेंगे, अपना सेल्फ परचेजिंग करना भूल जाएंगे, मतलब करेंगे नहीं, पैसे ही नहीं रहेंगे कहां से करेंगे। तो ऐसे लीडर से दूरी बना के रहें भाई, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना है तो ऐसे लीडर से दूरी बना के रहें, क्यों, ये लोग सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, जहां इनका फायदा दिखा वहां चले जाएंगे और उस टाइम आपको नहीं सोचेंगे। तो बस यही बताना था। तो चलिए मिलता हूं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।